हेलो व्यूअर्स, सो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम लोग अपनी एक ऐप प्ले स्टोर के ऊपर कैसे पब्लिश कर सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग वो डिस्कस करेंगे कि न्यू जो प्ले स्टोर कंसोल है उसके अंदर हम अपनी ऐप कैसे पब्लिश कर सकते हैं। मैंने अपना ऐड मोब उस गेम के साथ कनेक्ट कर लिया। सो अब आगे प्रोसीजर करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना प्ले कंसोल ओपन कर लेता हूँ। सो ये मेरे कंसोल आ जाएगा। एक गेम को पब्लिश करने के लिए एक आपको एपीके चाहिए, ठीक है, जो कि मेरे पास ये रही, ठीक हो गया, ये बंडल फाइल या एपीके। साथ ही साथ मुझे उस गेम की कुछ इमेजेस चाहिए जो कि ये मेरे पास है, उसका आइकन, उसके स्क्रीनशॉट्स कुछ चाहिए, और उस गेम की एसईओ, मतलब कि जैसे हम वेबसाइट की एसईओ करते हैं तो एक ऐप की हमारे पास एएस होती है। तो ये मेरे पास उसका टाइटल, उसके डिस्क्रिप्शन, ये सब कुछ मेरे पास मौजूद है। सो अब हम लोग टाइम वेस्ट किए बगैर अपने कंसोल पे चलते हैं। तो ये कंसोल हमारा ओपन हो गया। हमने यहाँ से बस यहाँ क्लिक करना है क्रिएट ऐप। जैसे ही ऐप पे क्लिक करेंगे पूछेगा आपकी ऐप का नेम क्या। अब मैंने ये कुछ कीवर्ड्स मिला के एक अपनी ऐप का नेम रखा है, तो मैं जस्ट कॉपी करूँगा और इसको बंद कर देते हैं और इसको यहाँ पेस्ट कर दूँगा। इंग्लिश में आपकी ऐप है या गेम। सो मैं अभी के लिए इसको कह रहा हूँ ये मेरी ऐप है, हालांकि ये गेम है, लेकिन ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि इसको मैंने ऐप क्यों रखा। फिर ये फ्री है, यस फ्री है। उसके बाद डेवलपर पॉलिसीज एक्सेप्ट करती हैं, यस यस यस। क्रिएट ऐप कर दी हमने। अब हमारे पास हमारी ऐप जो है वो क्रिएट हो गई है। अब हमने ये कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप को फॉलो करके हमारी ऐप जो पब्लिश हो जाएगी। ये टेस्टिंग के लिए है, इसकी ज़रूरत नहीं हम लोगों को। सेटअप योर ऐप, ये हमें ज़रूरत है, ठीक है। सबसे बताना है कि हमारी ऐप की एक्सेस क्या क्या आ सकती है। तो इसके अंदर हम लोग क्लिक कर देंगे ऑल और सम फंक्शनैलिटीज, ऑल फंक्शनैलिटीज अवेलेबल विद विदाउट स्पेशल एक्सेस, ठीक हो गया। सेव कर दिए से फिर बैक आएंगे। सो एक एक लाइन का जवाब होगा, जैसे अब ये एड्स का पूछ रहा है, यस माई ऐप कंटेन एड्स। सेव किया, फिर बैक आना पड़ेगा। अब ये रेटिंग कुछ क्वेश्चंस पूछेगा हमसे, तो उसके आंसर हमने देने हैं। सो सबसे पहले तो ईमेल एड्रेस देना। सो मैं यहाँ पे ये मेरे फ्रेंड का कंसोल है, तो मैंने उसे एक दिन के लिए ऐड किया कि मुझे एक वीडियो बनानी है, तो उसके लिए मुझे उसने अलाउ किया कि ये लो। अब कैटेगरी हमारी गेम की है। नेक्स्ट हमारी इसके अंदर कोई ब्लड वायलेशन तो नहीं, नो। कोई डर फिर नो नो नो। लैंग्वेज का कोई रद्दमल तो नहीं, नो। ह्यूमरस नो। तो ऑलमोस्ट सारे ही जॉब इसके नो के थे। सेव करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब ये कह रहा है कि ठीक है, इन्होंने मेरी रेटिंग दे दिया, सबमिट कर देते हैं हम लोग, ठीक हो गया। बैक आते हैं। नेक्स्ट स्टेप, टारगेट ऑडियंस क्या आपकी। मैं टारगेट ऑडियंस अपने रखता हूँ 13 से अबव,
ताकि कोई डिस्ट्रिक्शन कोई मसला ना आए हमें। अगर 13 से बिलो करते हैं हमें फिर एक डॉक्यूमेंट लिखना पड़ेगा कि वो ऐप बच्चों के लिए सेफ है या नहीं। कंटिन्यू लिस्टिंग अपीयर नो कुल योर स्टोर लिस्टिंग अपील टू चिल्ड्रन। नेक्स्ट कर देंगे और ये भी यहाँ से सेव कर देंगे। फिर से बैक आएंगे। अब पूछता है कि ये आपकी ऐप जो है वो न्यूज़ ऐप तो नहीं। नो सो ये कोविड के रिलेटेड नहीं है मेरी ऐप। सो डाटा सेफ्टी का यहाँ फॉर्म फिल करना पड़ता हम लोगों को। डज यू नो मेरी ऐप कोई भी डाटा कलेक्ट नहीं कर रही। गो टू प्राइवेसी पॉलिसी। तो मुझे यहाँ जाके अपना यूएल देना पड़ेगा। मैं वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी फॉर गेम्स कोडिंग को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप फ्रेंड्स चाहते हैं कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ कि हम लोग गेम्स कैसे बना सकते हैं तो वो भी मैं ट्यूटोरियल उसके भी लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट डज योर ऐप कलेक्ट्रेशन नाउ। नेक्स्ट सेफ ओके वापस आते हैं हम। तो ये हमारी ऐप ड्राफ्ट में पड़ी है अभी। ये डाटा सेफ्टी सारा हो गया। अभी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है हमने। तो ये हमने यहाँ पे ऐप इसलिए किया था कि हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी वेदर की, बिकॉज़ वेदर एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे आपकी न्यू गेम्स बहुत जल्दी रैंक अप हो जाती हैं। ओके अप्लाई कर देंगे हम लोग। एक टैग और ऐड कर देते हैं एंटरटेनमेंट का। ओके सो ये सब डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी। नंबर के बस डायरेक्ट कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसने वेबसाइट के अंदर वो वेबसाइट हम लोग डालते हैं, ऑफिशियल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसके लिए ब्लॉग डालूँगा। ब्लॉग ब्लॉग दिस वन ओके। इसकी भी एक रीज़न है। हम लोग एडमोब के अंदर एक स्पेसिफिक आईडी होती है वो इसका अटैच करनी पड़ती है, और जो भी वेबसाइट है वो भी चल नहीं रही करंटली। सो इसलिए मैंने ब्लॉग अटैच किया, सेव किया।
सो ये अब यहाँ पे बढ़िया रहती है हमारी। अब यहाँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देनी हमने, ये हमारी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। आप किसी की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को कॉपी नहीं कर सकते। सो कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा लेंथी हो गई है। सो हम लोग ये वाली यूज़ कर लेते हैं, दो शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस हैं। ओके दिस वन इज ली। ओके सो आप फुल डिस्क्रिप्शन, ये अगर आप किसी की भी डिस्क्रिप्शन या टाइटल कॉपी करके अपनी गेम में लगाएंगे तो आपकी गेम जो है वो बैन हो जाएगी। ये सब चीज़ें मुझे मेरे फ्रेंड ने प्रोवाइड की हैं, और उसका थैंक यू सैफ कि आपने मुझे अपने कंसोल की एक्सेस दी, और मैं अपने फ्रेंड्स को जो कि अभी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं सारा तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप पब्लिश कर सकते हैं एक गेम या कोई भी ऐप। सारे प्रोसीजर सेम ही हैं। अब यहाँ पे आइकन ड्रैग ड्रॉप कर दें, फीचर इमेज कर देंगे, यूट्यूब का लिंक देना चाहे तो वो दे सकते हैं। अब बाकी जो है आपके स्क्रीनशॉट्स वो यहाँ पे ये अब अपलोड हो रहे हैं। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मेरे से मेरे इंस्टा पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मुझे यूट्यूब की वीडियो के अंदर भी कमेंट कर सकते हैं। और बहुत जल्द मैं न्यू प्लेलिस्ट के साथ जो कि गेम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की रिलेटेड होगी वो लेकर आ रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको फ्री में कंट्रोलर्स प्रोवाइड करूँगा, फ्री में 3D मॉडल्स भी प्रोवाइड करूँगा, और सब कुछ बताऊँगा कि आप एक गेम या एक ऐप से अर्निंग कैसे कर सकते हैं। सो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जब तक ये लोडिंग हो रही है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ऑलमोस्ट डन। आप यहाँ से इसका सीक्वेंस थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड ओके सिनफ। सब सेव करते हैं इसे। तो ये हमारा आइकन आ गया, हमारे स्क्रीनशॉट्स, हमारे डिस्क्रिप्शन सब कुछ आ गया, ड्राफ्ट में अभी है। ये टेस्टिंग के है, एनी टेस्ट योर ऐप विद लार्ज ग्रुप ऑफ टेस्टिंग ग्रुप, नहीं मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ पे आपने अपनी कंट्रीज को सिलेक्ट करना, तो मैं ओवरऑल सबको सेलेक्ट कर देता हूँ। वापस जाऊँगा मैं अगेन, मुझे टेस्टिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट हम लोग प्रोडक्शन में आते हैं। ये प्री रजिस्टर पब्लिश योर ऐप ऑन प्ले स्टोर। सो हम लोग बस इसको करते हैं, बाकी की हमें ज़रूरत नहीं है। वो उन केसेस के होता है जब आपने अपनी ऐप को टेस्टिंग में भेजना होता है कि वो लाइव होने से पहले ही आपके फ्रेंड्स वगैरह उसको प्ले करके देख सकते हैं।
सो क्रिएट न्यू रिलीज, अब यहाँ मैं क्लिक करूँगा, मैं अपना बंडल यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करूँगा, यहाँ रिलीज का कोई भी नेम लिख सकते हैं आप, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे फर्स्ट और यही नेम मैं इधर भी लिख देता हूँ। इसको सेव नहीं करना हमने। सो ये कुछ टाइम लेगा फर्स्ट टाइम पब्लिश होते हुए, क्योंकि एक साइनिंग की से रजिस्टर्ड किया होता है हमने, और प्ले स्टोर जो है वो हमारी साइनिंग की को सेव कर रहा होता है। सो बेसिकली ये सिंपल एक पार्किंग गेम है, जिसमें डिफरेंट व्हीकल्स हैं और हमने उन व्हीकल्स को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके पार्क करना होता है, और काफ़ी अच्छे लेवल्स हैं। जैसे ही गेम लाइव होगी तो मैं इसका लिंक भी इस वीडियो के अंदर ज़रूर अटैच करूँगा, आप इसको खेल के अपना फीडबैक भी दीजिएगा। इससे मेरे दोस्त जिसका ये अकाउंट है उसकी थोड़ी बहुत हेल्प भी हो जाएगी, आज उसकी वजह से ही आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, बिकॉज अगर वो अपना कंसोल मुझे प्रोवाइड ना करता तो शायद मैं ये वीडियो ना बना पाता। सो अगर आप पूरी डिटेल जानना चाहते हैं कि ये कंसोल कैसे बाय होता है, इसकी फीस क्या है, और इसके मतलब कि रीन्यू करवाने की फ़ीस क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि गूगल प्ले का जो कंसोल है वो सिर्फ $25 में आता है, और ये सिर्फ एक ही दफ़ा आपको पे करना पड़ता है, इसकी कोई ईयरली रीन्यूएबल फीस कोई भी नहीं है। सो जब आपने एक दफ़ा $25 पे कर दिए तो ये कंसोल आपका हो जाएगा, आप इसमें बेतहाशा पब्लिकेशंस कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे कि आपने किसी की ऐप गेम को कॉपी नहीं करना, नहीं तो स्ट्राइक भी आ सकती है आपकी गेम्स के ऊपर, और अगर 3 strikes आपकी गेम या आपकी एप्लीकेशन के ऊपर आ जाती हैं तो आपका पूरे का पूरा अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाएगा, आपकी सारी की सारी गेम्स सस्पेंड हो जाएंगी। सो ये मेक श्योर करना आपने कि आप किसी का आइडिया किसी की गेम चोरी ना करें और ना उसे अपने अकाउंट में डालें। सो इसी के साथ हमारा बंडल यहाँ पे रिलीज़ हो गया है, टारगेट वर्जन 30 है, और इसको सेव कर देंगे हम लोग। रिव्यू रिलीज, सो ये कुछ 2 वार्निंग्स आई हैं, सो नो प्रॉब्लम, इसे इग्नोर करते हैं। स्टार्ट रोल आउट इन प्रोडक्शन, ओके, सो ये हमारी रोल आउट में चले गई है और हमारी फर्स्ट रिलीज इन रिव्यू चले गई है। सो इसी के साथ अभी हमारा यहाँ प्रोडक्शन की बजाय इन रिव्यू आ गया है, लेकिन यहाँ पे हमें ड्राफ्ट ही शो होगा, बिकॉज जब तक ये इन रिव्यू है तो ड्राफ्ट ही शो होगा, तो जैसे ही गेम हमारी लाइव हो जाएगी तो यहाँ पे इन रिव्यू की जगह पे आपको सारा लिंक आ जाएगा। मैं आपको दूसरी गेम जब ये अकाउंट के ऊपर लाइव है वो भी आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का मंजर आएगा, जैसे प्रोडक्शन लिखा जाएगा, ये 11 अप्रैल को गई है। सो ऐसे का स्नैरियो आ जाएगा, कुछ एक्टिव, और यहाँ पे सारा आ जाएगा, कितने यूज़र्स आ रहे हैं, लोएस्ट ट्रैफिक कितनी आ रही है 72%, और किस किस कंट्री से डाउनलोड्स आ रहे हैं ये भी आ जाएगा। ठीक हो गया, सो आप प्ले स्टोर पर जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये भी गेम्स काफ़ी अच्छी है। ये ट्रांसपोर्ट है, इसमें भी पार्किंग है, स्टंट मोड है, शूटिंग मोड भी इसमें मौजूद है। सो
जैसे हमारी गेम लाइव हो जाएगी, सो उसके बाद हम लोगों को एड मोड पे आके इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो। सो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। सो अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ।